Hello students, this is the physics class part 12 and we begin with our first unit called electrostatics. This word electrostatic, combination of the word electro and statics. By the word electro we mean electricity or charge. Static means at rest. So electrostatics is the branch of physics which deals with charges at rest. Matlab यहाँ पर हम चार्जेस को रेस्ट मानते हुए स्टडी करते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, क्या क्या हम उसमें थ्योरी हमको बनाना पड़ती है, ये सब देखेंगे इस ब्रांच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, अब सबसे पहले थैलेस, ही वाज अ फिलोसोफर. थैलेस ऑब्जर्व दैट when a certain resinous material amber rubbed with ebonite or wool, you can say woolen material, so both amber and woolen cloth acquires the ability to attract light bodies like paper pieces, dust particles, etc. मतलब थैलेस ने सबसे पहले ये देखा कि एम्बर एक रेजिनस मटेरियल होता है, जब उसको रब किया उन्होंने वूलन ग्लास से, एबोनाइट से, तो उन्होंने देखा कि एम्बर और वूलन में एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि बहुत स्मॉल लाइट बॉडीज को वो अट्रैक्ट करने लगता है. इनकी इस ऑब्जर्वेशन को सीरियसली लिया सबसे पहले विलियम गिलबर्ट. 16th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट ने थैलेस के उस ऑब्जर्वेशन को फिर से टेस्ट किया, अलग अलग मटेरियल के लेकर उन्होंने देखा कि ऐसे और भी मटेरियल हैं जो ऐसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे ग्लास को जब रब किया सिल्क, उन्होंने देखा कि ग्लास और सिल्क दोनों में लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है. ये हमारा भी एक कॉमन एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड में छोटी क्लासेस में बच्चे रहते हैं, वो प्लास्टिक की स्केल को रब करते हैं स्किन में, ड्राई हेयर में, और पेपर पीसेस को टेबल पर रख देते हैं, देखते हैं कि पेपर पीसेस को स्मेल अट्रैक्ट करते हैं. ऐसे ही ऑब्जर्वेशन थैलेस ने लिया और उसको और ज्यादा डिटेल में स्टडी किया विलियम गिलबर्ट. अब इस प्रॉपर्टी को कि जब रब करने से दो बॉडीज को उनमें लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है, विलियम गिलबर्ट ने इस प्रॉपर्टी का नाम रखा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिका, इलेक्ट्रॉन नाम रखा, ग्रीक वर्ड था इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट. बाद में इस प्रॉपर्टी को थॉमस ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इस वर्ड को मॉडिफाई कर दिया और हम इसको मॉडर्न नेम इलेक्ट्रिसिटी से जानते हैं. तो इस तरीके से यह वर्ड इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिन में आया कि विलियम गिलबर्ट ने रबिंग एक्शन से लाइट बॉडी में जो स्मॉल पार्टिकल्स को स्मॉल बॉडीज को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आती है मटेरियल्स में, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला. थॉमस ब्राउन ने उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिसिटी वर्ड दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यहां से आया. ठीक है, अब रबिंग एक्शन से दो बॉडी को रब करने से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी अलग अलग बॉडी से, ग्लास और सिल्क, तो विलियम गिलबर्ट ने इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को, इन लाइट बॉडी को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को नाम दिया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. एज द नेम इंडिकेट द
that is the electricity which produces due to friction when we rub the two bodies together. Because of the friction between the bodies get electrified. दो body को rub करने से friction होता है, friction से दोनों body में electrification आ जाता है, यानी कि light bodies को smallest particle को paper pieces पर attract करने की ability आ जाती है, और इसी को कहा जाता है frictional electricity. बहुत ही सिंपल वर्ड में हम इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को अगर एक्सप्लेन करना चाहें, डिफाइन करना, तो बहुत सिंपल है. क्या है कि दैट इट इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग ऑफ टू इंसुलेटिंग बॉडी. व्हाई इंसुलेटिंग बॉडीज? कि ग्लास और स्टील इंसुलेटिंग बॉडीज. क्यों इंसुलेटिंग बॉडीज बोलते हैं ये हम लेटर डिस्कस करेंगे. तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमको समझना आएगा कि दो बॉडी को जब हम रब करते हैं या दो बॉडी में फ्रिक्शन होता है इंसुलेटिंग बॉडी में, तो उनमें एक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लाइट बॉडी को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है, उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. अब हम कॉमनली बहुत बार ये सुनते हैं दो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज. तो थोड़ा सा इसको समझ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और चार्ज क्या होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज चार्ज? देखिए इलेक्ट्रिसिटी इट इज द एनर्जी, यानी जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये बहुत एंशियंट डेफिनेशन है, अभी मॉडर्न टाइम में ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है, पर हम उन एंशियंट चीजों को ही पढ़ रहे हैं. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, तो इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे कि इट इज द एनर्जी ड्यू टू विच द बॉडी एक्वायर्स द एबिलिटी टू अट्रैक्ट लाइट बॉडी. जब भी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो बॉडी लाइट बॉडी को अट्रैक्ट कर देती है. ये सिंपल डेफिनेशन दी थी उस समय. अब चार्ज, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज को हम ऐसे बताते हैं कि कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं. एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जिससे सारे दूसरे मटेरियल्स बनते हैं, सब्सटेंसेस बनते हैं, एटम्स बनते हैं, से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है. अब इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की विशेष प्रॉपर्टी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं. तो वो ऐसा किस वजह से कर पाते हैं? हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ चार्ज, दे हैविंग चार्ज. यानी चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. यानी ये वो प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जिससे यदि किसी बॉडी में चार्ज आ गया तो वो बॉडी या वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है. रिलेशन अट्रैक्ट और रिपेल दोनों प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी में चार्ज आता है. अट्रैक्शन भी होता है चार्ज बॉडी में और रिपल्शन भी होता है. तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिसिटी की और चार्ज की. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल ड्यू टू विच दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. ये डेफिनेशन हम समझ गए. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये भी समझना आ गया. जैसे कि मैंने बताया हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड में, बच्चे छोटी क्लास में रहते हैं तो स्केल को सिर पर रख करते हैं, प्लास्टिक की लाहर देते हैं उससे, और फिर जब पेपर पीसेस को टेबल पर रखते हैं तो उसमें अट्रैक्शन आ जाता है, लाइट पेपर पीसेस को वो स्केल अट्रैक्ट करने लगती है. दैट इज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के और भी, जैसे आप कॉमन एक्सपीरियंस है कि प्लास्टिक की चेयर है, जब हम उसमें सडनली उठते हैं या हम कोई क्लॉथ है, वूलन क्लॉथ या नायलॉन का क्लॉथ है, जब हम उसको पहनते हैं या जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको, तो हम देखते हैं कि उसमें क्रैकिंग साउंड आता है, कभी कुछ शॉकिंग हमको थोड़ा सा झटका लगता है. तो दैट इज ए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ये कॉमन लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हमारे इसके एग्जाम्पल्स भी, जब भी दो बॉडी में रब एक्शन होगी तो उस पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, यानी चार्ज आ जाएगा जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाती है. ये सिंपल डेफिनेशन होगी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब हम ये देखें कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कारण क्या होता है, कॉज क्यों ऐसा होता है कि बॉडी में रबिंग एक्शन से चार्ज आ जाता है, बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है. सिंपल, we all know that atom consists of positively charged proton which lie inside the nucleus and the negatively charged electron revolve around the positively charged nucleus and
चार्ज आप प्रोटॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहते हैं कि जब तुम दो बॉडी को रब करते हो, अभी नेट चार्ज किसी भी एटम में क्या माना जाता है, नेट चार्ज जीरो। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसलिए नेट चार्ज हो गया बॉडी में या एटम में जीरो। अब हम एक ग्लास की बात करते हैं, इसको इससे ग्लास से रब करें, रबिंग एक्शन से क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑन गेटिंग एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है एंड दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। व्हेन द बॉडी लॉसेस द इलेक्ट्रॉन तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वन नेगेटिव चार्ज बिकॉज़ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू द शेल। सो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज का बैलेंस ज्यादा रहेगा और नेगेटिव चार्ज कम रहेगा, तो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा हो गया, पहले दोनों चार्ज बराबर थे तो नेट चार्ज जीरो था एटम में, अब ग्लास में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, नेगेटिव चार्ज लॉस हो गया तो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे सिल्क में प्लस माइनस दोनों चार्ज बराबर थे, जैसे ही हमने रब किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए सिल्क में, तो सिल्क में एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब नेगेटिव चार्ज सिल्क ज्यादा हो गया। That's why we say कि due to rubbing action the electron transferred from one body to another body, the body which loses the electron become positively charged and the body which gains the electron become negatively charged। अब इसमें arise in our mind that who was the first person who named the charges as positive and negative, because charges are two types. Types of charges, two types, positive charge and negative charge. अभी charges को दो type में किसके divide किया? तो सबसे पहले William Gilbert ने देखा कि body को rubbing action से friction से दो type के charge होते हैं। अब उसने उनका नाम भी रखा था, ये नाम रखा था सबसे पहले इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया, उन्होंने बोला था कि दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन से रबिंग एक्शन से, विलियम गिलबर्ट ने ये बताया। अब इन दोनों टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नाम दिया था सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत फेमस रहे उस समय के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने ये बताया कि जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी होती है थंडरस्टॉर्म के दौरान जो लाइटनिंग होती है लेकिन जो बिजली कड़कती है बारिश के समय वो क्यों होता है, वो भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक टाइप है। रबिंग एक्शन से जब दो क्लाउड पास पास से में आते हैं और उनमें रबिंग एक्शन होता है तो उसके कारण उनमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है और बिकॉज ऑफ दिस डिस्चार्ज ऑफ electricity from cloud to the earth under storms or lightning takes place। ऐसा सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रूव किया था कि जो क्लाउड्स में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है फ्रिक्शन से आती हुई है। ठीक है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द मैन हु फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड और नेम्ड द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नाम चार्जेस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। अब चार्ज के बारे में एक बार और समझ लें, इस चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रो का मतलब हम यहां समझेंगे चार्ज से। क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन से आती है और एक दूसरे टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है, जैसे चार्ज दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है। एक इलेक्ट्रिसिटी का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब व्हेन चार्जेस आर लेस देन द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे फ्रिक्शन होता फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन, वहां चार्ज लेस में रहता है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मोशन में रहते हैं, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन देन द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड
तो इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक और करंट।